हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद बहुत ही रेयर नहीं तो कभी सुना भी नहीं होगा। वो है कॉकेसस। इस दुनिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आते हैं। इन रीजन्स को बोला जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन, और कॉकेसस भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है क्योंकि वो एशिया और यूरोप के बीच में आता है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये एरिया को बोला जाता है कॉकेसस। ज्योग्राफिकली कॉकेसस एशिया और यूरोप के बीच में तो आता है, लेकिन पॉलिटिकली कॉकेसस के जो कंट्रीज है उन्हें यूरोप के कंट्रीज में गिना जाता है। कॉकेसस रीजन के कंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले है जॉर्जिया, जिसका कैपिटल है तिबलिसी। फिर है अजरबैजान, जिसका कैपिटल है बाकू, और आर्मेनिया, जिसका कैपिटल है येरावान। ये तीन कंट्रीज कंप्लीटली कॉकेसस रीजन में आते हैं। और नॉर्दर्न कॉकेसस में देखे तो छोटा सा रीजन आता है रशिया का। यह है रशिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट। रशिया तो एक मैसिव कंट्री है, और रशिया खुद ये दो कॉन्टिनेंट्स में आता है, और रशिया का यह साउथ वेस्टर्न पार्ट आता है कॉकेसस रीजन में। इन देशों के कुछ ब्रेकअवे स्टेट्स भी है जिनको अभी तक इंटरनेशनल लेवल में कंप्लीट रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। इसमें जॉर्जिया में दो ब्रेकअवे स्टेट्स है, एक है नॉर्दर्न पार्ट में रिपब्लिक ऑफ अबखाजिया, और दूसरा सेंट्रल जॉर्जिया में है रिपब्लिक ऑफ साउथ ओसेशिया। फिर अजरबैजान का ब्रेकअवे स्टेट है वेस्टर्न पार्ट में रिपब्लिक ऑफ अर्तसाक। कॉकेसस रीजन के दो हिस्से हैं, एक है सिस कॉकेसस जिसमें रशिया के साउथ वेस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स है वो आते हैं, और दूसरा है ट्रांस कॉकेसस जिसमें ये तीन देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आते हैं। अभी कॉकेसस की फिजिकल ज्योग्राफी। कॉकेसस में डोमिनेंस माउंटेन्स का है, और यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन नॉर्थन कॉकेसस में है जो कि है माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर्स की। नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में पूरा है ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन्स, और नीचे सदर्न पार्ट में है पूरा लेसर कॉकेसस माउंटेन्स। अभी कॉकेसस की हिस्ट्री। इनका मेन हिस्ट्री स्टार्ट होता है पर्शियन आर्किमिडीड एम्पायर से, जिन्होंने सबसे पहले इधर अपना कंट्रोल जमाया था। फिर आर्किमिडीड एम्पायर के खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर का मैसिडोनियन एम्पायर ने कुछ समय तक इधर अपना कंट्रोल जमाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद पार्थियन एम्पायर ने इधर अपना कंट्रोल जमा लिया था। पार्थियन एम्पायर के कुछ सालों के कंट्रोल के बाद फिर आता है ससानियन एम्पायर। ससानियन एम्पायर ने इधर बहुत साल तक राज किया इधर। ये तीन एम्पायर्स आर्किमिनिड, पार्थियन और ससानियन, इन तीन एम्पायर्स की वजह से इधर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन का स्प्रेड बहुत ही तेजी से हुआ। जिनको ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन के बारे में पता नहीं, उनके लिए ये नॉलेज है कि इंडिया में जो पारसी लोग रहते हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। हजार साल पहले जब ईरान में इस्लाम आया था, फिर ज़ोरोएस्ट्रियन लोग ईरान छोड़कर इंडिया आकर इंडिया में सेटल होने लग गए, और वो आज की डेट में पारसी लोग कहलाते हैं इंडिया में। फिर अभी हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। ससानियन एम्पायर के टाइम क्रिश्चियनिटी सबसे पहले यूरोप से इधर कॉकेसस में आई। ससानियन एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उनका एक छोटा सा प्रोविंस था जो कि था पर्शियन आर्मेनिया, और 301 एडी में पर्शियन आर्मेनिया ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, और पर्शियन आर्मेनिया बना दुनिया का सबसे पहला कंट्री जिसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। फिर 7th सेंचुरी में इस्लाम रैपिडली स्प्रेड हुआ अरेबिया से, और स्प्रेड होते उमायद कैलिफेट पहुंचा इधर कॉकेसस में, और 200 साल तक कॉकेसस में उमायद कैलिफेट का रूल था। फिर बहुत साल की लड़ाई के बाद फिर से इधर एक क्रिश्चियन किंगडम का फॉर्मेशन होता है। 1008 एडी में किंगडम ऑफ जॉर्जिया ने इधर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को बहुत रैपिडली स्प्रेड करते हैं। किंगडम ऑफ जॉर्जिया ने करीब 500 साल तक कॉकेसस में अपना राज किया, और इन 500 सालों में इन्होंने बहुत सारे इस्लामिक अटैक्स को भी फेस किए, जैसे सेल्जुक टर्क्स, फिर तिमुरिड एम्पायर। अल्टीमेटली इतने सारे अटैक्स के बाद फाइनली 1490 में किंगडम ऑफ जॉर्जिया का एंड हो जाता है, और फिर 1466 तक ये कॉकेसस रीजन ऑटोमन एम्पायर और सफाविद एम्पायर इन दोनों के बीच डिवाइड हो जाता है। फिर
300 साल तक कॉकेसस रीजन इस्लामिक रूल के अंडर में रहता है, हाफ ऑटोमन एम्पायर के अंडर में और हाफ पर्शिया के अंडर में। लेकिन फिर 1762 में फिर से एक क्रिश्चियन किंगडम की स्थापना होती है इधर, द किंगडम ऑफ काटली काकेटी। ऑटोमन एम्पायर और ईरान फिर से इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और फिर से ताकि इस्लामिक रूल इधर ना आए इसलिए किंगडम ऑफ काटली ने रशियन एम्पायर के साथ डीलिंग करते हैं और यह किंगडम रशियन एम्पायर का एक वैसल बन जाता है। 18 सेंचुरी में रशियन एम्पायर ने दोनों ऑटोमन एम्पायर और पर्शिया को हराकर पूरे कॉकेसस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर आता है 1917। रशिया वर्ल्ड वॉर वन में बहुत बुरी तरह हार जाता है और फाइनली रशियन एम्पायर का एंड हो जाता है। रशियन एम्पायर के एंड होते ही सोवियत यूनियन की स्थापना होती है जो कि कम्युनिस्ट होती है। सोवियत यूनियन के फॉर्मेशन के बाद कॉकेसस में भी कम्युनिज्म स्प्रेड हो जाता है, और उधर सोवियत यूनियन के सैटेलाइट स्टेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे जॉर्जिया का सोवियत स्टेट, आर्मेनिया का सोवियत स्टेट और अजरबैजान का सोवियत स्टेट। फाइनली 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद इन देशों को इंडिपेंडेंस मिलती है, फिर जाके बनती है आज का जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इन कंट्रीज के रिलीजन देखे तो आर्मेनिया में है आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्च, ये इनका खुद का डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी का। फिर जॉर्जिया और रशिया में है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, और अजरबैजान में है मेजॉरिटी इस्लाम। फिर इन कॉकेसस कंट्रीज के लैंग्वेजेस देखे तो ये लैंग्वेजेस अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे आर्मेनियन बिलोंग करता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से, जॉर्जियन बिलोंग करता है कार्टवेलियन से, अजरबैजानी लैंग्वेज बिलोंग करता है टर्किक लैंग्वेज फैमिली से, और रशियन बिलोंग करता है ईस्ट स्लाविक लैंग्वेज फैमिली से। फिर इनके पॉलिटिकल यूनियंस, कॉकेसस कंट्रीज दो मेजर पॉलिटिकल यूनियंस के मेंबर है, एक है ईस्टर्न पार्टनरशिप, ये यूरोपियन यूनियन और 6 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये 6 यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं 3 कॉकेसस कंट्रीज जो कि है आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, और अलग से बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन। और दूसरा पॉलिटिकल यूनियन है यूरोनिस्ट, जिसमें कॉकेसस कंट्रीज के अलावा मोल्डोवा और यूक्रेन भी आते हैं। अभी करंटली तो अजरबैजान और बेलारूस की मेंबरशिप सस्पेंडेड है, क्योंकि बेलारूस में करप्ट इलेक्शंस के वजह से यूरोपियन यूनियन ने इनका मेंबरशिप सस्पेंड किया है, और अजरबैजान में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के एलिगेशंस के हिसाब से यूरोपियन यूनियन ने इनका मेंबरशिप सस्पेंड कर रखा है। कॉकेसस के लार्जेस्ट सिटीज में आते हैं, सबसे लार्जेस्ट सिटी है बाकू, अजरबैजान का कैपिटल। फिर आता है आर्मेनिया का कैपिटल यरावान, और फिर जॉर्जिया का कैपिटल तिबलिसी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।